सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं वेजिटेबल्स वॉश कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे आज मैं वेजिटेबल्स लेके आई हूँ, वो भी बहुत सारी। तो इनको मैंने प्रिल डाल के वॉश किया है। आप मतलब मुझे किसी ने बोला था कि सिर्फ पानी से धोना इनफ नहीं है आजकल, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा पानी आप देख सकते हो बड़े वाले भगोने में लिया है, थोड़ा सा प्रिल डाला है और पहले उसमें मसल मसल के बहुत अच्छी तरह से एक एक चीज़ को धो लिया है। अब मैं इसे अलग निकालूंगी। तो इस तरह से आजकल आप भी जब वेजिटेबल्स वगैरह यूज़ करें ना, तो इसी तरह से वॉश करके करें। और अब इस कढ़ाई को मैं रख दूँगी चलते हुए पानी के नीचे, तो इसमें भी मैं कम से कम 3-4 पानी में धोऊंगी बहुत अच्छी तरह से, सो दैट जो भी साबुन है प्रिल का, जो भी लिक्विड डिटर्जेंट है ना प्रिल, तो उसका जो भी कुछ अंश कुछ रह ना जाए सब्जियों पे, बहुत अच्छे से वॉश कर रही हूँ। और क्या क्या लाई हूँ वो तो आपको दिख ही रहा है, बैंगन है, मिर्ची है, कच्चा आम भी लाई हूँ आज मैं, फ़र्स्ट टाइम लाई हूँ इस सीज़न में। तो यहाँ प्रिशा मुझे हेल्प कर रही है, उसने एक चादर बिछा ली है। पहले वो पेपर बिछाने वाली थी लेकिन मैंने बोला चादर बिछा लो, क्योंकि पेपर फिर फट जाता है पूरा और उसका काला काला जो स्याही होती है वो भी लगने का डर रहता है। सो फाइनली लास्ट में ये वाटरमेलन मैंने वॉश किया, इसको भी उसी प्रोसीजर से वॉश किया है, पहले प्रिल से, उसके बाद खूब सारे चलते हुए पानी से। तो इस तरह से छोटी छोटी सब्जियाँ वो लगा रही है, मैंने उसे बोला कि एक एक चीज़ अलग अलग लगाना सो दैट थोड़ी धूप लग जाए, क्योंकि अभी तक तो धूप आई नहीं है, मॉर्निंग का टाइम है, लेकिन आज काफ़ी धूप खिली हुई है, बहुत तेज़ धूप है, तो 1-1.5 घंटे की धूप लगाने का प्लान है। तो यहाँ पे देखिए आपको दिखा देती हूँ कैसा खिला हुआ मौसम है, काफ़ी धूप निकली हुई है, गर्मी भी काफ़ी हो चुकी है। और यहाँ ये हमने हमारे मास्क धोए हैं, तो आप लोगों को भी बोलेंगे कि अगर आप मास्क यूज़ करके कहीं भी गए हैं तो उसको डिटॉल के वाटर में अच्छी तरह से वॉश कीजिए। इस तरह से मैं भी रोज़ वॉश कर देती हूँ जब भी कहीं जाती हूँ तो। और यहाँ देखिए विवेक ने क्या किया है, हालत देख लीजिए। एक्चुअली हुआ यूँ कि मेरे व्लॉग का थोड़ा सा काम बाकी रह गया था, आज लेट हो गई थी मैं व्लॉग डालने में, तो बस मैं उस काम में लगी हुई थी, तो विवेक बोले मैं दाल बना दूँ। नो डाउट उन्होंने गंदा किया लेकिन काम तो किया, थैंक्स अलॉट टू हिम। तो उन्होंने दाल बना के रखी है, तड़का मुझे लगाना है। और यहाँ ये बर्तन मैंने सुबह उठते ही धो दिए थे, और अब ये चाकू वगैरह थोड़े से रखे हैं जो उन्होंने कटिंग वटिंग में यूज़ किए हैं प्रिशा ने और विवेक ने। प्रिशा ने मुझे चॉपिंग करके दी है, एक्चुअली दाल उन्होंने उबाल दी है और वो प्रिशा मुझे बोल रही है तड़के वाली दाल बनाओ मम्मी, सिंपल दाल मत बनाओ, क्योंकि अभी लॉकडाउन का टाइम है तो डिफरेंट डिफरेंट दालें खाने का मन करता रहता है इन लोगों का। लाइक जैसे गुजराती दाल मैंने पीछे बनाई थी, हरी मिर्ची वाली बनाई थी, तो आज मैं दाल फ्राई टाइप या तड़के वाली दाल समझ लो। पहले मैं प्लेटफॉर्म क्लीन करूँगी जो कि विवेक ने बहुत गंदा कर दिया है। ये हर घर की कहानी होगी, जब आदमियों को कुछ काम करने के लिए दो तो ये लोग काम करते तो हैं लेकिन उससे ज़्यादा बिगाड़ डालते हैं। इन्होंने पूरा प्लेटफॉर्म मेरा सड़ा दिया सिर्फ दाल उबालने में, लेकिन थैंक्स टू हिम अगेन कि उन्होंने किया, एटलीस्ट कर तो दिया, क्योंकि मैं काफ़ी बिजी थी आज, व्लॉग की एडिटिंग बहुत सारी रह गई थी, तो वही बस सुबह से बैठ के मैं कर रही थी, तो उन्होंने हेल्प किया। तो फाइनली मेरा प्लेटफॉर्म थोड़ा सा रीजनेबली क्लीन हो गया है, अब मैं मेरा काम करूँगी। और इतनी देर में मुझे याद आया है कि सब्जियाँ जो हैं उनको धूप लग गई है, तो पहले हम लोग सब्जियां उब्जियां उठाते हैं उसके बाद बनाते हैं। धूप आ चुकी है और 1 घंटा लग चुकी है ना, धूप 1 घंटा इन पे लग चुकी है, अब टाइम हो गया है इसे अंदर रखने का, क्योंकि फिर आप अगर 1 घंटे से ज्यादा। लगा दिया हमने 1 घंटे का, तरबूज भी है और इनको मैंने प्रिल में धोया था। तरबूज खाने का बहुत मजा आजकल, सब्जियां खरीदने के बाद बहुत लॉन्ग प्रोसीजर हो गया है, पहले धो फिर अच्छे पानी में धो, उसके बाद अच्छे पानी में धो। मुझे याद है हम लोग गोवा जाने से 1 दिन पहले पैकिंग कर रहे थे ना, तब याद आया कि तरबूज पड़ा है और हमने किचन में बैठ के तरबूज खाया था। या तो हमारी सब सब्जियां देखिए कितनी, आज मैं मॉर्निंग में उठते ही चली गई थी, ये देखिए सब सूख चुकी हैं। चलो अब इनको फ्रिज में लगा देते हैं, अब लेके जाओ बेटा चलो। तो वैसे तो ये रेसिपी मैं शेयर कर ही चुकी हूँ कई बार, लेकिन बना रही थी इसलिए थोड़ा सा दिखा दिया है मैंने। देसी घी में ये दाल बहुत अच्छी लगती है, और आजकल मुझे पता है कि सब्जियों का हर एक के पास लोचा रहता होगा, प्रॉब्लम रहता होगा, तो फिर आप अलग अलग तरह की दालें बना के खा सकते हैं, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। और इसमें मैंने सिर्फ हींग और ज़ीरा डाला है देसी घी में, और फिर प्याज डाल दिए हैं और थोड़ा नमक, जिससे कि प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाए। और स्टे ट्यून्ड रहिएगा व्लॉग पे, आज शाम का मतलब ये व्लॉग रात तक चलने वाला है, और रात को एक बहुत सुपर डुपर रेसिपी मैं शेयर करने जा रही हूँ, वो है लेमन राइस, जो कि एक साउथ इंडियन डिश है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और आजकल लॉकडाउन के टाइम पर जो रेसिपीज़ आपको काम लग सकती हैं वैसी रेसिपीज़ मैं बनाने का ट्राई कर रही हूँ, तो लेमन राइस में
कुछ चाहिए नहीं होता है, बहुत कम चीज़ें लगती हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो लॉकडाउन के टाइम पे अगर आपको भी क्रेविंग हो रही है कुछ अच्छा अच्छा खाना है तो आप खा सकते हो। वेल, यहाँ पे टमाटर, लहसुन और हरी मिर्च एक साथ चॉप किया हुआ मैंने डाल दिया था, और फिर मैंने डाला किचन किंग मसाला, धनिया पाउडर और मिर्ची और हल्दी जैसे पड़ता है, और बस इसको थोड़ा सा भून के दाल को डाल देना है। इसे आप फ्राइड दाल भी कह सकते हो, दाल तड़का भी कह सकते हो, दाल फ्राई भी कह सकते हो। तो ये मैंने डाल दिया है। विवेक ने सीटियाँ लगाई हैं, मतलब जब मैं बिज़ी थी तो उन्होंने सीटियाँ लगाई हैं, तो थोड़ी सी खड़ी दाल रह गई है, लेकिन चलेगा, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे मैं, मतलब प्रिशा, चूँकि बाहर से सारी सब्जियाँ ले आई है, तो तरबूज जो है वो फ्रिज में लगा रही है काट के, सो दैट हम रात को खा सकें। ठंडा हो जाएगा ना तो अच्छा लगेगा, और गर्मियों में तरबूज, माई गॉड, इट्स माई फेवरेट वन, हम सबका फेवरेट है, और ये बहुत ज़्यादा मीठा है, ऐसा प्रिशा ने बोला। तो ये देखिए, हमारा लंच वगैरह सब हो गया, और ये दोपहर के बर्तन वर्तन मैंने सब कर दिए हैं, साइड पर रख दिए हैं ताकि पानी वगैरह निकल जाए। गैस वगैरह सब कुछ साफ़ कर लिया है, और काम करते करते शाम जैसी होने वाली है। आजकल सभी लेडीज़ का ये हाल होगा, क्योंकि सुबह उठने में भी बच्चों को लेट हो जाता है, और फिर काम भी बहुत ज़्यादा रहता है हाउस हेल्पर्स के बिना, सभी का ये हाल होगा आजकल। सो गाइस, अभी 3:15 हो रहे हैं और हम अब फ्री हुए, लाइक खाना वाना बर्तन सब मम्मी ने साफ़ कर लिए, कपड़े भी सारे धुल गए, और इतना लेट फ्री हुए। हर रोज़ हमें फ्री होते इतना ही हो जाता है। चिक्की, जो मैं खाना खाने के बाद एंजॉय कर रही हूँ। मुझे मम्मी थोड़ा सा देगी है ना? नहीं, तो रह जाओ। ना, मेरी चिक्की ले रही है, जा रही है मेरी चिक्की, I'm crying। हाँ, दे रही हूँ। तो गाइज, ये देखिए, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है खाने के बाद खानी। आई थिंक बहुत बहुत लोगों को अच्छी लगती होगी। तो अभी ये हमने लाने के बाद अच्छे से इसका पैकेट जब सैनिटाइज किया है, और सब्जियाँ तो दिखाई दी, तो आजकल आप भी इसी तरह से सावधानी बरतें, है ना प्रिशु? वेरी गुड इवनिंग गाइज, कैसे हैं आप लोग, एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो बताइए क्या हाल चाल हैं आपके। अभी शाम के कितने बजे हैं? 6:30 बजे हुए हैं। 6:30 बजे हैं, कितने बजे हैं? ऐसे ही कुछ टाइम है, और ये दोबारा नहाने जा रही हैं, ये पूरी पसीने वाली हो चुकी हैं। सुबह मुझे काम करना था, इसलिए फिर एक बार तो नहा लेती पहन लिए, काम करना था इसलिए नहा के कल के कपड़े पहन लिए, फिर बाद में अभी बहुत थक गए। जैसे मैंने आपको दोपहर की आपने क्लिपिंग देखी होगी, आज इसने और मैंने सबसे ज़्यादा काम किया, बट विवेक ने भी किया है, उन्होंने कपड़े धोए हैं, और इसने और मैंने काफ़ी काम किया। इस वक्त बाहर काफ़ी ठंडी हवा चल रही है, टेरेस पे जाने का प्लान है, चाय बनाने जा रही हूँ, फिर उसके बाद देखूँ शायद टेरेस पे जाएंगे। और दोपहर में दाल फ्राई था, इसकी फरमाइश पे बना था, थोड़ा सा बचा हुआ है, देखते हैं फिर साथ में कुछ और ऐड ऑन करेंगे। प्रिशा, मैं सोचा लेमन राइस बनाऊँ, याद है मैं पहले बनाया करती थी लेमन राइस, इसको याद नहीं आ रहा है, बना के खिलाती हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं, तो आज आपके साथ भी शायद रेसिपी शेयर करूँगी अगर मैंने बनाया तो। तो सबसे पहले विंडो ओपन करते हैं। कल की बुक्स कैसी लगी बताना जरूर कमेंट में। तो अभी वापस से एक बार नहा के आई हूँ, सुबह में, आज मैं नहीं नहा पाई थी, फ्रेंकली बोल रही हूँ, आज मैं नहा ही नहीं पाई थी मॉर्निंग में, इसीलिए मैं सामने भी नहीं आई, क्योंकि मैं बहुत शॉर्ट से चड्डे में, लाइक शॉर्ट्स में और टी शर्ट में घूम रही थी, इसलिए सामने नहीं आई, मुझे ऑकवर्ड लग रहा था। तो अभी जस्ट नहाई हूँ मैं 10 मिनट पहले, और इससे पहले मेरा बैठ के ब्लॉग का काम कर रही थी मैं, एडिटिंग वगैरह। तो बाहर काफ़ी धूप है अभी, कहने के लिए 6:30 बजे हैं, लेकिन आजकल धूप तो रहती है और हवा बहुत अच्छी वाली चल रही है। आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा से, ये देखिए 6 बजे इतनी धूप है। तो चलिए फिर चाय बना लेते हैं। ये देखिए बर्तन वर्तन भी लगाने हैं मुझे अभी, मैंने आपको दिखाया भी था दोपहर को, सब साफ किए थे, किचन साफ किया था पूरा, तो ये यहीं पे रखे रह गए हैं, अब थोड़ी देर में लगाऊंगी, पहले चाय बनाती हूँ। विवेक बोल रहे थे मैं बनाता हूँ, लेकिन मैंने कहा मैं ही बना लेती हूँ, जल्दी से पियेंगे चाय, क्योंकि ऑलरेडी 6:30 बज गए और टेरेस पे जाने का प्लान है, थोड़ा सा जल्दी जाएंगे, आज हवा बहुत अच्छी चल रही है तो टेरेस पे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा ना, तो चलो फिर बना लो। बहुत दिनों से ये बर्तन मेरा मिल नहीं रहा था, मीशो वाला बर्तन है अगर आपको याद हो, ये मीशो से मैंने लिया था, काफ़ी अच्छा निकला है, और बहुत सारे लोग पूछे थे कि ये कुर्ती मैंने कहाँ से ली है, तो ये कुर्ती है बहुत ही ब्यूटीफुल, ये देखिए काफ़ी ब्यूटीफुल कुर्ती है, और इसको मैंने इसके साथ कंबाइन किया है जिस कलर का इसमें एम्ब्रॉयडरी वर्क है। तो ये कुर्ती मैंने अमेज़ॉन से मंगवाई थी, इसका लिंक भी मैंने माय हॉल स्टोर लिंक में आई थिंक दिया हुआ है, और सारे वीडियोस के नीचे माय हॉल स्टोर लिंक करके एक लिंक दिया हुआ है, उसमें आपको ये कुर्ती मिल जाएगी। मेरे बाल भी आज गंदे हो रहे हैं, मुझे एक्चुअली धोने थे जिस दिन से मैंने कलर किया था, आपको पता है कलर किया था उस दिन से अभी तक मैंने वॉश नहीं किया, कैन यू बिलीव इट गाइस, तो काफ़ी गंदे हो रहे हैं, खुजली भी आ रही है, ऑयली नहीं हुए हैं लेकिन डर्टी तो हो गए हैं। वैसे कहते हैं ना हेयर कलर के बाद 24 to 48 hours धोना नहीं चाहिए सिर, तो बस इसीलिए नहीं धोया था, तो अब मैं धोऊंगी, आज मैं तेल की मसाज करूंगी सिर में, फिर मैं वॉश करूंगी। चलिए बना लेते हैं। अब मुझे राशन की टेंशन होने लग गई है, क्योंकि अब थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके ख़त्म होने लग गई हैं,
आज मॉर्निंग में एक मिनट चाय रख देती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। ये गर्म पानी हो रहा है त्रिशा का, त्रिशा नहाने जाने वाली है। आज मॉर्निंग में मैं सो के उठी, मतलब जनरली आजकल 8-8:30 ही उठती हूँ, लेकिन कल मुझे किसी ने बोला, क्योंकि सब्जियाँ मेरे यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी पिछले कितने दिनों से, आई थिंक 4-5 दिनों से हरा धनिया नहीं था। आप देख रहे होंगे गुजराती दाल भी बनाई थी उस दिन, तो उसमें भी हरा धनिया नहीं डाला था, बहुत सारी चीज़ों में नहीं है आजकल कुछ भी। डोंट बिलीव गाइज, मुझे कल हमारे नीचे जो दुकान है वो भैया ने बोला था कि 9:00 शार्प आ जाता है सब्जी वाला। मैं सुबह सो के उठी, नींद में मेरी जब आँख खुली पहली बार तो एकदम से मैं डर गई, ओ माय गॉड कहीं 9:30 बज गया और सब्जी वाला ना चला गया हूँ। मीन्स के आजकल जो है इंसान के लिए सोने से ज़्यादा कीमती सब्जियाँ हो गई हैं। मैंने जैसे ही टाइम देखा तो थैंक गॉड इट वाज 8:00, बट सोते उठते सबसे पहले दिमाग में आया कि ओ माय गॉड कहीं 9:15 या 9:30 ना हो गए हो, सब्जी वाला चला गया होगा। लेकिन जैसे ही मैंने देखा 8 बजे हैं तो मुझे थोड़ा सुकून आया, शांति आई। देन व्हाट हैपेंड यू नो, एक मिनट चाय पत्ती डाल दूँ। उठी मैं, मैंने उठ के भैया को फ़ोन किया नीचे जिनकी दुकान है, भैया सब्जी वाला आया, 9:00 फ़ोन किया। 8 से 9 तक मैंने मेरी एडिटिंग की और मैंने 9:00 उनको फ़ोन किया कि भैया सब्जी वाला आ गया, उन्होंने बोला आज नहीं आया। फिर मैंने 9:15 को कॉल किया, 9:30 को कॉल किया, देन मैंने 9:45 को कॉल किया, फिर मेरी पेशेंस ओवर हो गई। मुझे लगा अब कोई सब्जी वाला नहीं आने वाला, क्योंकि अगर वो आता है तो 9:00 आ जाता है, ऐसा वो भैया बोल रहे थे। और सब्जियाँ इतनी ज़्यादा ख़त्म हो चुकी है, मतलब मेन चीज़ है जिसके बिना मुझे बिल्कुल नहीं चलता, धनिया के बिना नहीं चलता, हरी मिर्ची के बिना नहीं चलता, लेमन के बिना नहीं चलता, ये तीनों चीज़ें घर में बिल्कुल गायब थी। टमाटर थे जो कि मैं यूज़ कर रही थी, और इसके अलावा आलू प्याज और लहसुन मैंने भरे हुए हैं 5-5 किलो, जो कि अब थोड़े कम हो चुके हैं यूज़ करके। तो मैंने कहा क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, फिर मैंने मतलब कमर कसी, मैंने कहा आज तो निकलना है। रास्ते में पुलिस वाले भैया या जो भी लेडीज़ होती हैं लेडी पुलिस, उनको बताऊँगी ये प्रॉब्लम है। और दूसरी चीज़, मेरा आटे का डब्बा गेहूँ पिसने के लिए मैंने दिए थे अब से 1-1.5 हफ्ते पहले, आप मानेंगे मेरा गेहूँ का आटा लेना भी पिछले 1-1.5 हफ्ते से रह रहा था। आज मैंने कमर कस ली और मैं निकल गई बाहर। पहले मैं डायरेक्ट मेरी बाइक लेके गई सब्जी लेने के लिए, रास्ते में मुझे कुछ लेडी पुलिस ने रोका, मैंने उनको बताया कि भाई मेरा आटे का डब्बा आपको याद है मैं उस दिन रखने गई थी, तो वही लोग खड़े थे उस दिन भी, बोलो मुझे पहचान गए, बोले हाँ हमें याद है आप रखने गए थे। मैंने कहा प्लीज़ मुझे जाने दीजिए आटे का डब्बा। उन्होंने मुझे बोला कि सब्जी की लारी आपकी सोसाइटी में आती होगी लेकिन नहीं आ रही है, प्रॉपर नहीं आ रही है, कोई आता भी है तो 1-2 सब्जी लेके आता है। अभी मुझे मेन चाहिए था धनिया हरी मिर्च एंड अदरक वगैरह और लेमन वगैरह। खैर मुझे परमिशन मिल गई, इसीलिए आपने देखा होगा मैं ढेर सारी सब्जियां लेके आई हूँ। लगभग मैंने 7-8 दिन की सब्जियां तो ले ली हैं, मतलब ट्राई करूँगी कि 7-8 दिन चले, वैसे हमें लगता है ऐसा चलती नहीं है, सब्जियां बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। तो यू नो इस वायरस की वजह से हमें बहुत सारी चीज़ों की कीमत पता चल रही है, एक एक चीज़ की कीमत पता चल रही है। सब्जियाँ सोने से ज़्यादा महंगी लग रही हैं और सोने से ज़्यादा कीमती लग रही हैं हमें खुद को। अगर थोड़ी सी सब्जी होती है तो हम कोशिश करते हैं कि उस थोड़ी सी में से भी हम थोड़ी सी बचा के यूज़ करें। आपके साथ भी ऐसे ही हो रहा होगा, मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा है। मुझे धनिए के लिए कम से कम 6 से 7 दुकानों पर घूमना पड़ा, ये रीज़न है कि आज मैं शाम को इतना लेट इवनिंग आपके सामने आई हूँ। अदरवाइज़ मैं 3 बजे या 5 बजे तो बात कर ही लेती हूँ आपसे, कि मैं बहुत थक गई थी, सब्जियाँ लाई, उनको धोया, मैंने प्रिल में धोया, फिर उसको साफ़ पानी में धोया, और आपने बाकी का तो सब देख लिया है कि हमने किस तरह से किया। धनिए के लिए मैं 6-7 दुकानों पे गई, धनिया कहीं नहीं मिल रहा था, जैसे तैसे मुझे एक दुकान पे मिला जहाँ से मैंने आटा लिया उसकी बाजू वाली दुकान से, तो मैं काफ़ी सारा धनिया ले आई हूँ। तो आज है ना ऐसी खुशी हो रही है ना मुझे कि मैं आपको क्या बताऊँ, जैसे मुझे क्या मिल गया हो, मतलब मैं क्या बोलूँ आपको। आजकल के दिनों में आप लेडीज़ भी शायद समझ सकते होंगे, एग्री करते होंगे, कमेंट करना मुझे मिलो कि किस किस को जब सब्जियाँ आजकल मिल जाती हैं सारी, और धनिया स्पेशली, धनिया लेमन अदरक और हरी मिर्ची, तो हम कितने खुश हो जाते हैं ना, सभी खुश होते होंगे। तो मैं आज बहुत खुश हूँ, मेरा फ्रिज मैंने भर दिया है चीज़ों से, अब कम से कम आने वाले 4-5 दिन तक तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, धनिया भी है सब कुछ है, तो मज़े से बनाएंगे और खाएंगे। से हाय बाबू, नहा के आया है फिर से, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है यहाँ पे, तो दोबारा से नहाया है अभी, और अब हमारे साथ चाय बिस्किट खाएगा, फिर टेरेस भी जाएगा ना घूमने।
विवेक जी आप मिलोगे नहीं आज? गुड इवनिंग नहीं करोगे, कुछ बात नहीं करोगे? गुड इवनिंग एवरीबॉडी, आज मैं थोड़ा अपसेट हूँ, कंटाला आ रहा है मुझे बहुत। इतनी अच्छी फैमिली के साथ कंटाला आ रहा है? फैमिली अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, बाहर का माहौल अच्छा नहीं, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ यार, काफ़ी सारे केसेस एक ही दिन में बढ़ गए हैं। मेरे लिए हेल्थ के लिए बहुत इश्यू है, अगर मैं नहीं वॉकिंग करूँगा, नहीं अच्छा तरीके से करूँगा तो मेरी हेल्थ के इश्यू हो जाएगी। लेकिन आप यहाँ वॉक करो बेटा। नहीं यार, टेरेस में वॉक करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि टेरेस बहुत छोटा पड़ता है। करो ना, मैं अभी के साथ यहाँ टेरेस पे हूँ, तुम नीचे जाके वॉक करो। नहीं नहीं, मैं अकेले नहीं वॉक सकता, बिकॉज हेल्थ मेरी अच्छी नहीं, मेरी बीवी की भी हेल्थ फिट एंड फाइन रहनी चाहिए। मैं अभी की वजह से एक्चुअली ऊपर आई हूं। तो ये अच्छी आपको वीडियो दे सकेगी लाइफ टाइम तक। क्या बात है। एक्चुअली मैं ऊपर आई हूँ अभी की वजह से, क्योंकि अभी को बहुत ज़्यादा घर में हमारे बच्चों को नहीं मिलता है बाहर जाने को नहीं मिलता। मैं तो फिर भी आज सब्जी लेने निकल गई थी ना, ये भी आए थे मेरे साथ, मतलब ये नहीं आए थे क्योंकि एक ही जन अलाउड है, बट ये साइड पे खड़े रहे थे एक जगह पे, वहाँ से फिर मैं जाके ले आई थी। बट हम दोनों फिर भी बाहर निकल जाते हैं, बच्चे बिल्कुल नहीं निकल पाते, तो बच्चों को थोड़ा टेरेस पे आना अच्छा लगता है। अभी कहाँ गया बाबू? टेरेस पे बैठा है, बैठा हुआ है, चूना वाला बैठा हुआ है। ये रहा, आज हवा बहुत अच्छी चल रही है और देखिए स्काई कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी हवा है। और थोड़ा सा टेंशन वाला मैटर तो है। और ये देखिए चंदा मामा, दिखा देती हूँ आपको, निकल चुके हैं चंदा मामा, कितने सुंदर लग रहे हैं। तो आज टेरेस पे जब विवेक बात कर रहे थे तो आपको थोड़े से अपसेट लग रहे होंगे। हाँ थोड़े से अपसेट हैं, वो फ़ोन पे बातें करते रहते हैं और टाइम पास करते रहते हैं, नो डाउट मुझे हेल्प भी करते हैं, लेकिन होता है ना अभी घर में इतने सारे दिन हो गए तो थोड़ी सी अपसेटनेस तो जायज़ है आदमी लोगों की, क्योंकि इन लोगों को बाहर रहने की आदत होती है। और विवेक तो वैसे घर में रहते हैं, लेकिन आपको पता है थोड़ा बहुत तो बाहर निकलते ही थे, लेकिन अब तो वो भी बंद हो चुका है, तो थोड़े से वो अपसेट हो जाते हैं। हम लेडीज़ का टॉलरेंस और पेशेंस ज़्यादा होती है आदमी लोगों से, आई थिंक आप इस चीज़ से अग्री करते होंगे। तो यहाँ मैं लहसुन छील रही हूँ क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ लेमन राइस। तो चलो शुरू करते हैं ऑसम वाली रेसिपीज़। यहाँ मैंने बासमती राइस भिगो के रखे हैं 15 मिनट से, और लहसुन को इस तरह से लंबा लंबा टुकड़ों में काट लेना है। तो सबसे पहले इसमें सीटी लगा देंगे कम से कम 2 से 3 नमक डाल के, और इन बिटवीन मैं बताती हूँ क्या क्या तैयारी करनी है। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो ये चीज़ बहुत ही बढ़िया है, घर में बहुत कम चीज़ों के साथ बन जाएगी और बहुत मज़ा आएगा आपको खा के। तो यहाँ पे हरी मिर्ची को इस तरह से बीच में से कट करके और फिर बड़े बड़े पीसेस में कट कर लेना है। 2 हरी मिर्ची ली है मैंने, और मैं लूँगी कड़ी पत्ता जो कि मैं सुबह ले आई थी, घर में था नहीं लेकिन इस बार लेके आई हूँ। और थोड़ी सी चने की दाल लगेगी, आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी उड़द की दाल भी डाल सकते हैं। तो ये चने की दाल लगभग इतनी ली है और ये सारी तैयारी हो चुकी है। तो आप कढ़ाई चढ़ा देंगे क्योंकि हमारे चावल बन चुके हैं, इसमें दो सीटियाँ लग चुकी हैं, और बासमती राइस का ही बनाइए, ये बासमती राइस का ही अच्छा लगता है। तो ये कढ़ाई मैंने चढ़ा दी यहाँ पे, और इसमें रिफाइंड ऑयल डाल देंगे, आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं लेकिन ये रिफाइंड ऑयल में ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अब ये नींबू है, चूँकि लेमन राइस है तो नींबू तो पड़ेगा, तो कट करके साइड पर रख लेती हूँ उसके बीज वगैरह निकाल के। तो यहाँ पे सबसे पहले चने की दाल को डाल देना है, जैसे आपका तेल गर्म हो जाता है और स्टिर करते रहना है इसको कॉन्स्टेंटली। इसको हमें ब्राउन करना है, येल्लो नहीं रहने देना है, मीडियम गैस पे इसको फ्राई करते करते हमें ब्राउन कर लेना है। यहाँ सीटी लग चुकी है तो इसकी हवा निकाल के, भाप निकाल के मैं इसको खोल दूँगी, सो दैट चावल थोड़े ठंडे हो जाए, और इनको चला दूँगी ताकि खिले खिले रहें। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे राइस बने हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही बढ़िया वाले राइस बने हैं। तो चलिए हमारी दाल को फिर से चलाने लगते हैं, जब तक ब्राउन ना हो वहाँ तक आपको वेट करना है। जब ये ब्राउन होने लगे तब इसके अंदर आपको जो है लहसुन डालनी है, या अब जब जैसे ही ब्राउन हो गया है तो सबसे पहले हींग और राई मैंने डाला है। ये राई में बनता है, इसमें ज़ीरा नहीं पड़ता है गाइस, क्योंकि ये साउथ इंडियन डिश है आई थिंक। तो ये जब राई अच्छी तरह से फूट जाएगी तो इसमें जो लंबे कटे हुए पीसेस हैं लहसुन के वो डालने हैं। अब इनको भी हमें ब्राउन करना है। आप हरी मिर्च और लिमड़ी यानी कि कड़ी पत्ता साथ में ना डालें, नहीं तो जो हमारा लहसुन है वो फ्राई नहीं हो पाएगा ठीक से। तो इसमें जो ब्राउन की हुई लहसुन होती है ना उसका बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। जब मुँह में आती है ना वो जली हुई लहसुन ब्राउन वाली, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये इसका मेन इन्ग्रीडियंट है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्राउन होने लगा है मेरा लहसुन, तो अब मैं इसमें डाल दूँगी बाकी की सारी चीज़ें यानी कि कड़ी पत्ता और मिर्च, और इसको भी अब थोड़ा सा मैं स्टिर कर लूँगी, उसके बाद मसाले मिक्स करूँगी। पहले थोड़ा सा स्टिर करूँगी सो दैट हमारी मिर्ची और कड़ी पत्ते का फ्लेवर अच्छी तरह से मसाले में आ जाए, और इसके बाद फिर इसमें बाकी के जो भी मसाले हैं, इसमें ज़्यादा मसाले नहीं जाते हैं, इसमें सिर्फ हल्दी जाएगा और नमक जाएगा, लाल मिर्च वगैरह कुछ नहीं पड़ती है इसमें, ना धनिया पाउडर पड़ता है। तो यहाँ मैंने हल्दी डाल दिया आप देख रहे हैं, और अब बस डायरेक्टली चावल डालेंगे और थोड़ा थोड़ा चावल करके मिक्स करेंगे, क्योंकि एक साथ करेंगे तो चिपचिपे हो सकते हैं।
और नमक भी थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे, जैसे जैसे चावल डालते जाएंगे वैसे नमक डिज़ायर्ड जितना भी है डालते जाएंगे। और अब ये एक स्पून से चलाना मुश्किल हो जाएगा, तो इसको दो स्पून से हम कट एंड मिक्स वाले प्रोसेस से मिक्स करेंगे, और बाकी के चावल भी डाल देंगे लास्ट में और उसको भी मिक्स कर देंगे। एंड एट लास्ट हमें डालना है इसमें नींबू का रस, यानी कि लेमन जूस, जितना आपको लगता है कि आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप टेस्ट करके देख सकते हो, और बस इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। तैयार हो जाएंगे आपके डिलीशियस लेमन राइस। आप चाहें तो इसमें शींग दाना यानी कि मूंगफली दाना भी डाल सकते हैं, कुछ लोग काजू भी डालते हैं, और उड़द की दाल भी डाल सकते हैं थोड़ी सी। तो यहाँ हमारा बिल्कुल तैयार है डिनर, और ये बिल्कुल लॉकडाउन वाली रेसिपी समझ लो आप इसे। लॉकडाउन में आप कभी भी एनी टाइम ये बना के खा सकते हो और काफ़ी टेस्टी लगते हैं। ट्रस्ट में एक बार आप बना के देखिए, आप खुद बोलेंगे कि दीदी ने एक अच्छी रेसिपी बता दी, और काफ़ी इजी पड़ेगा आपको लॉकडाउन के टाइम पर स्पेशली। तो बहुत ही बढ़िया बने हुए हैं, प्रिशा को टेस्ट करवा दिए हैं। चलो बेटा, हमारे लेमन राइस बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। विवेक बोल रहे हैं बहुत अच्छे बने और ये बहुत अच्छा लगता है। और अभी चूंकि लॉकडाउन चल रहा है तो इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए, लहसुन सबके घर में होता है, सिर्फ लेमन चाहिए और राइस, और सच में बहुत डिलीशियस लगता है, ये बहुत डिलीशियस लगता है। मैं पहले बहुत बनाया करती थी, अभी अभी मेरा कम हुआ है, आज अचानक से मेरा दिमाग में आया बना दूँ। चलो ये लो बेटा, एंड हेल्दी भी है बिकॉज राइस का है तो ऑब्वियसली दिस इज़ हेल्दी एज वेल। I'm back here. Khaake batao. Welcome to Plakshas channel. With the name Indian YouTuber Ruchi. ये ले लो बेटा, ये मेरा है। हाँ पापा को दे दिया। हाँ पापा को दे दिया, अभी को भी बुलाओ, अभी को बोलो लेके जाएगा। अभी मम्मी बुला रही है। हाँ चलो खा लेते हैं, कह रहे हैं हाँ चलो खा लेते हैं। ये लो शोना। मम्मी ला दो शोना। हाय कलो शोना, हाय कलो, हाय सोना, सबका शोना बोल रहा है। एज यूजुअल लेडीज़ हमेशा बाद में लेती हैं, पहले अपने परिवार को देती हैं, और पता है बना के खिलाने में जो सुख मिलता है ना परिवार को, वो एक औरत ही समझ सकती है। मैं एक बार को कोई चीज़ कम बचती है ना, मैं कम खा लेती हूँ, या कई बार मैं नहीं खाती, लेकिन इन लोगों को अच्छे से खिला दूँ ना तो मेरा पेट ऑटोमेटिक भर जाता है, पसीने पसीने हो चुके हैं। और ये तो हर एक औरत के साथ होता होगा। और हाँ, कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे, कुछ लोग के मेरे जो ये वाले कुकवेयर हैं ये मैंने कहाँ से लिए, तो ये तो है उसका जिसका मैंने वीडियो भी बनाया था ना, कौन सा ब्रांड था ये मैं भूल गई इसका नाम। और जो दूसरा ग्रीन वाला कढ़ाई मैं यूज़ करती हूँ ना, वो फ्लिपकार्ट से मंगवाया था, प्रेस्टीज का है, ओमेगा सीरीज़ का। तो चलिए मैं भी खा लेती हूँ, उसके बाद आराम से मिलते हैं। ओके, तो आ गए हैं हम लोग डिनर करने, सबके सब ऐसे ही साथ में बैठ के खा रहे हैं, और हम लोग ऐसे ही नीचे बैठ के ज़्यादा खाते हैं, आपने देखा होगा टेबल वगैरह का यूज़ हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं होता है, कम होता है। और डाइनिंग टेबल तो हमारे यहाँ सिर्फ एक शोपीस बन चुकी है, आप लोगों ने भी देखा है वो शोपीस की तरह रखी रहती है। तो ये मेरे कहने पर राइस ज़रूर ट्राई करना, आज ही ट्राई करना आप, आपको मज़ा आ जाएगा और झटपट भी बन जाएगा और एफर्ट्स भी बहुत कम लगेंगे, इंग्रेडिएंट्स भी बहुत कम लगेंगे, तो लॉकडाउन के टाइम पे काफ़ी अच्छा पड़ेगा। तो अब लास्ट में हम लोग वाटरमेलन मैं काटने आई हूँ, छोटा सा वाटरमेलन था लेकिन काफ़ी मीठा निकला है, तो फिर मैं कल सुबह या जैसे भी है जाके फिर से लेके आऊँगी। एक्चुअली बड़े बड़े अवेलेबल ही नहीं थे, मैंने टेस्ट करके देखा, इट्स रियली यमी। तो आधे में से मैं और अवी का मैं कट कर रही हूँ, और आधा जो है वो विवेक और प्रिशा का है, तो उसमें से दो भाग कर दूंगी। ये लोग कट करके नहीं खाते दोनों, बाप बेटी, ये लोग ऐसे ही खाते हैं, मैं और अभी कट करके खाते हैं। तो अब इस व्लॉग को मैं यहाँ पे ही एंड करूँगी। आई होप आज के दोनों रेसिपीज़ आपको पसंद आई होंगी, और दोनों लॉकडाउन स्पेशल रेसिपीज़ थी। तो व्लॉग पसंद आया ना तो लाइक की मैं बिल्कुल मत जाना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक स्टे होम, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, लव यू सो मच एंड टेक केयर, बाय बाय।